Monkey Ankh! The end! The end! जो होना है वो होता है, सभी जानते हैं, मैं भी जानती थी, पर जानने से कुछ बदल नहीं जाता, ना दुनिया ना अकेलापन। मैं ही बेवकूफ थी, अपनी खुशी किसी दूसरे में ढूंढ रही थी, पर आज के बाद कोई दूसरा नहीं, मैं और बस मैं अकेली, बिल्कुल अकेले। एक्सक्यूज मी, सॉरी, आप अकेली हैं क्या? अभी हम किसी का वेट कर रही हैं। अकेले डिनर करना इज अ वेरी बैड आइडिया, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है? शायद। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग साथ में डिनर करें? लाइफ एक अजीब खेल है, ऐसा मैंने सुना है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन यह सच जरूर है कि संजना मेरी लाइफ थी। मस्त, एकदम मस्त है यार। अरे यार, तूने फ्लैट एकदम सॉलिड बनाया है। ये फोटो तुमने अपने फ्लैट में खींची थी? हाँ। क्या बात है राव, Staying together? Not anymore, यार। I'm extremely sorry, brother. ये घर किसने छोड़ा? वो या तुम? घर मेरा है, okay? Fair enough. रहना उसी को चाहिए जिसका घर हो। You are absolutely correct. One minute. It's okay. हाँ बोलो संजना, क्या चाहिए? मैं घर आ रही हूँ। देखो, why are you doing this? क्यों कर रही हो ये सब? सुन, तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। देखो, मैं बकवास करने की आदत मुझे भी नहीं है। If it's over between us, then it's over. दोबारा फोन मत करना। मैं 20 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार संजना? हाँ, जब तुम्हारा मन करे घर छोड़ के चले जाओ, जब मन करे वापस आ जाओ। प्लीज, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। साले, मैं तेरी लाइफ में वापस नहीं आ रही हूँ, मैं घर आ रही हूँ अपना सामान लेने। उसके लिए तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा है मैं तुम्हारा सामान पहुंचा दूंगा, तो पहुंचा दूंगा। अभी चाहिए। अरे अभी मैं घर पे नहीं हूं। तो घर पहुंच। देखो संजना, तुम इस तरह से बात नहीं करोगी मुझसे। क्यों नहीं? मेरा सामान है वो। अरे तो तुम्हारा सामान क्या मैंने चोरी करके रखा हुआ है? बस मत कर, मैं 20 मिनट में पहुंच रही हूं। यू बेटर बी देयर। देखो संजना, अच्छा ठीक है, मैं फोन काट रहा हूँ, पहुंचो जहां पहुंचना। हेलो, फूल देवी कहीं की। Excuse me. कितना आया? ये बिल गधेड़ा बिल, बिजली का 7,500। 7,500?
वाट लगने वाली है, पूरी मुंबई की वाट लगने वाली है। हाँ। ये घेला तू आजकल घर में रहता नहीं है क्या? हाँ अंकल, वो आजकल काम ज्यादा है इसलिए ऑफिस में ही रुकना पड़ता है। घर में नहीं रहने के बावजूद 7,500 रुपया? सबकी वाट लगने वाली है। हाँ। सबकी वाट हाँ। लगने वाली है। मुंबई की वाट लगने वाली थी लेकिन मेरी तो लग चुकी है ऑलरेडी। हाँ नंदू बोल, तूने फोन किया था? मैंने मोबाइल ऑफ करके रखा हुआ था। कहाँ पे? घर पे। घर में कहाँ पे? बाथरूम में। क्यों? नहीं मतलब बात करने के लिए फ्री है ना, किचन में कुछ चढ़ा तो नहीं रखा? बच गया। दूध चढ़ाया था, बच गया। खाना खाया तूने? नहीं। गुड, चल बाहर चलकर डिनर करते हैं। नहीं यार, अब भी वापस आया हूँ मैं। अरे चल ना यार, बिल के पैसे मैं दूंगा। अरे वो बात नहीं है यार, I'm really tired। अरे थका हुआ है तो खाना खाएगा तो एनर्जी मिलेगी ना। चल चल शू शू चल भाग। फिर आ जा। अबे ऐसे क्यों बोल रहा है यार? अरे तुझे नहीं कह रहा हूँ यार, ये पड़ोस की बिल्ली ने नाक में दम करके रखा हुआ है। जब तक घर पे रहेगा तो कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। चल बाहर चलते हैं और खाना खाते हैं। अरे नहीं आ सकता यार। अरे चल ना यार, बहुत जरूरी बात करनी है। अबे तू फुसफुसा क्यों रहा है? मैं किसी के साथ हूँ, जरूरी मीटिंग है, बात नहीं कर सकता जोर से। तू एक काम कर, तू अपनी मीटिंग खत्म करके यहीं आ जा, मैं डिनर बना रहा हूँ, साथ में बैठ के खा लेंगे। अरे तू क्यों अड़ा हुआ है अपनी बात पे यार, चल ना, बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है यार? संजना के बारे में। अरे कहाँ है यार तू? एक घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं। अरे पोलो क्लब में, और कहाँ? क्या भाई? हाय। मैं एक घंटे से इंतजार कर रहा हूँ यार। अरे यार मीटिंग में फंस गया था, लेट हो गया थोड़ा सा। ऑर्डर किया तूने? नहीं किया। चल ऑर्डर करते हैं। क्या है? वही बर्गर्स, चीप एंड बेस्ट। मैं संजना के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ वो ठीक है, करते हैं ना, बात करते हैं ना, डिटेल में बात करेंगे यार। पहले ऑर्डर कर देते हैं ना, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। अरे यार रोज के आने वाले हैं यार, क्यों ले आते हो हर बार ये यार? बोलिए सर, क्या लेंगे? सबसे पहले तो पानी ले आओ। मिनरल वाटर सर या सादा? जो फ्री में आता है वो ले आओ, और उसके बाद दो विस्की सबसे सस्ती वाली। ओके सर। हाँ सुन यार, वो संजना शादी कर रही है, खुश लग रही थी। आई मीन शी वॉज लुकिंग रियली हैप्पी। और कुछ? हाँ इतना ही है या और कुछ भी? नहीं तेरे बारे में तो बात नहीं हुई। मैं अपने बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, अपने सामान के बारे में पूछा उसने। उसका सामान? मेरे फ्लैट पे पड़ा है, उसने कहा था नए एड्रेस पे पहुंचाने को। तू क्या नौकर है क्या उसका यार? अरे वो जो सामान है ना उसका, उठा के कचरे में फेंक दे, और जो तेरे दिमाग में कचरा भरा है ना उसको भी उठा के फेंक दे बाहर, वो वापस आने वाली नहीं है, समझा तू? मालूम है, और मैं भी उसके इंतजार में बैठा नहीं हूं यहां पे। चले काम करते हैं, किसी को उठाते हैं। Let's pick up girls। तू पागल है क्या यार? ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है? बच्चे, don't pick up girls, boss। Don't be ridiculous यार, ये कोई उम्र है ऐसी चीजें करने की? भाई तेरे को लगता क्या है यार? हैं? 35 साल की उम्र हो चुकी है, गर्लफ्रेंड छोड़ के जा चुकी है लात मार के, कैसे चलेगा सब कुछ?
तू किसी के पास जाएगा नहीं, कोई चल के तेरे पास आएगी नहीं, हाँ तो क्या जिंदगी भर अकेला रहेगा क्या? अरे तो ऐसे कैसे गो एंड पिकअप गर्ल्स यार नंदू, आज तक तो किया नहीं है। तो हर काम पहली बार तो करना ही पड़ता ना यार। तो कैसे कहेंगे, क्या करेंगे? एक्सक्यूज मी, सॉरी, आप अकेली हैं क्या? आई मीन किसी का वेट कर रही हैं? अकेले डिनर करना इज अ वेरी बैड आइडिया, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है? शायद। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग डिनर साथ कर सकें? शायद। ओह, यू आर नॉट श्योर? एक्चुअली आई एम। ग्रेट। हाय नंदू, राम, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, प्लीज सर। कोयल। वाओ, सच अ नाइस नेम। इज इट? मुझे हमेशा ऑर्डिनरी लगा। नहीं नहीं, इट्स एनीथिंग बट ऑर्डिनरी। क्यों राम, कोयल इज नॉट ऑर्डिनरी ना? क्यों, ऑर्डिनरी में क्या बुराई है? ऑर्डिनरी अच्छा नहीं हो सकता क्या? राम हमेशा एक नए एंगल से ही देखता है चीजों को। इनफैक्ट मैंने इसको बोला भी है कई बार, ही शुड ट्राई राइटिंग यू सी। बस हेलो फ्रांस, हाउ इट्स P71 सेरेनिटी मलाड वेस्ट मुंबई 64। थैंक यू। और क्या हुआ? फ्री ट्रिप टू फ्रांस, समझ में नहीं है। फ्री हॉलिडे इन फ्रांस, दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। वेटर, एक्सक्यूज मी। यस सर। क्या लेंगे आप? विस्की। ओके, एक विस्की। सर इंपोर्टेड लाऊं या इंडियन? अरे यार जो पी रही है वही ले आओ ना, रिपीटेड, दैट्स इट। नो, आई विल चेंज। ब्लैक लेबल है? ब्लू लेबल भी है मैडम। ओके, आई विल हैव दैट दो लार्ज। खाने में कुछ मैडम? इनके बर्गर्स बहुत अच्छे होते हैं, दे आर रियली नाइस एंड जूसी। लॉबस्टर बर्गर ट्राई करेंगे मैडम? अरे यार लॉबस्टर का क्या बर्गर होता है यार, जस्ट ले आओ ना वो जो नॉर्मल तुम्हारा रेगुलर बर्गर होता है, ले आओ ना उसे। आई लव लॉबस्टर। आप लोगों के लिए कुछ सर? अरे हम तो ऑर्डर दे चुके हैं ना भाई। यार आधे घंटे पहले तुम्हें बोला था पानी लाने के लिए। प्लेन वाटर और मिनरल वाटर? सादा नलके का रूम टेम्परेचर पानी। मैडम से पूछ लो, इनको अगर चाहिए हो तो इनके लिए ले आओ मिनरल वाटर। नहीं चाहिए। सुन लिया, प्लीज लेके आओ। ओके सर। थैंक यू। आप बात बहुत कम करती हैं। हाँ। नो इट्स गुड एक्चुअली, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। आजकल के जमाने में कौन कम बातें करता है? कोई फ्रेंड है आपकी? आई मीन सम कोई लड़की, कोई गर्ल, यू कैन कॉल हर फॉर द डिनर, यू सी। बुला सकती तो अकेले क्यों बैठी होती? हाँ ये भी बात है, और अगर अकेले नहीं बैठी होती तो हमारे साथ डिनर कैसे कर रही होती? वो सही कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ लार्जर प्लान इन व्हाटएवर हैपेंस। व्हाट प्लान? नो आई मीन आई डोंट हैव अ प्लान, इट्स नॉट आई। No, actually, I have one. मैं जरा एक मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे? टॉयलेट जा रहा हूँ यार। एक्सक्यूज मी। प्लीज कैरी ऑन। तुम भी ज्यादा बात नहीं करते? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ऑर्डिनरी लोगों से नहीं करते? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हें ने तो कहा मैं ऑर्डिनरी हूं। When I never said that. जब तुम्हारे दोस्त ने कहा कि कोयल ऑर्डिनरी नहीं है तो तुमने कहा कि ऑर्डिनरी होने में कौन सी बुराई है? इसका मतलब या तो मैं ऑर्डिनरी हूं या फिर मुझ में कोई बुराई। ये क्या बात हुई? What happened? देखो रो मत, और मैंने तुम्हें बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं कहा। I don't think you're ordinary. तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। सब झूठ बोलते हैं।
लेकिन मैं नहीं बोलता। आप क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? अरे मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? सब झूठ बोलते। मैं बिल्कुल ordinary. In fact, I'm just worse than ordinary. हेलो। अबे कहाँ है तू? काम पे। काम पे? तू बाथरूम गया था? बाथरूम में ही फोन आया था, अर्जेंट था, निकलना पड़ा। साले तू तो निकल गया, कोयल यहां मेरे साथ बैठी है। गुड लक, ऑल द बेस्ट। अब नंदू, अब मैं क्या करूं? तुम ठीक हो? I'm sorry. अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। I'm sorry. लेकिन वो नंदू चला गया। नंदू माय फ्रेंड, ही इज गॉन। कहाँ? काम से। वो एक अर्जेंट काम आ गया था, उसके सारे काम ऐसे ही होते हैं। लेकिन यू डोंट वरी, ये सब बिल मैं दूंगा। टैक्सी टैक्सी, कहाँ रहती हो तुम? आई हैव नोवेयर टू गो। सॉरी भाई, क्या मतलब? आज ही घर छोड़ा है मैंने सुबह। वैसे मैं भी अकेला ही रहता हूँ। देखो मैं पायलॉन करना नहीं चाहती हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, आई नो, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? इतनी रात को एक अकेली लड़की बार में मिलती है, साथ में डिनर करने के लिए तैयार हो जाती है, और अब कहती है कि रहने को जगह भी नहीं है। व्हाट डू यू नो? देखो मैंने भी घर छोड़ा था कभी। आई नो हाउ इट फील्स। मैं समझ सकता हूँ कैसा लगता होगा। अच्छा, तुम समझ सकते हो मुझे कैसा लगता है? मालूम है कार की बैक सीट में मेंथॉल सिगरेट मिलने से कैसा लगता है? मेंथॉल? पता है, सुबह अपनी शादी के कार का डिजाइन ढूंढ रही थी मैं। कल रात उसके ऑफिस की पार्टी थी और सुबह कार की बैक सीट में मेंथॉल सिगरेट का बट मिला है मुझे। तो प्रणय डजंट स्मोक, और इस सिगरेट बट पे लिपस्टिक का निशान था। अरे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने किसी कॉलीग को ड्रॉप कर रहा हो और उसे सिगरेट पीने की आदत हो। राइट। और प्रणय को कॉन्डम पहनने की आदत हो, यूज कॉन्डम मिला है मुझे। That's bad. Sorry. How about kulfi? Kulfi अच्छी लगती है तुम्हें? Thanks. तुम्हें यहाँ आसपास कोई होटल मालूम है? क्यों? महंगा नहीं, just decent सा। तुम होटल में रुकोगी? कहाँ ना, घर नहीं है मेरे पास। ओह, लेकिन कब तक? कहने का मतलब है कि कब तक रहोगी होटल में? कल सोचूंगी, आज तो सोचने की हिम्मत भी नहीं। कोई प्रॉब्लम है? देखो कोयल, ये होटल वाला आइडिया अच्छा नहीं है। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना? है ना? देखो मैं अकेला रहता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम आज रात मेरे साथ सो सकती हो। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि आज रात को एक कमरे में तुम अलग सो सकती हो, मैं अलग कमरे में, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हें? मुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगी? आइडिया तो मेरा ही था ना। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर मैं हाँ तुम्हारी बाइक चलाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आसमान खुला खुला, हवा में रंग घुला घुला, आस
आसमां खुला खुला, हवा में रंग घुला घुला, ये जादू क्या तूने किया, सब लगे खिला खिला। जानू ना जानू मैं तो जानू ना, जानू ना जानू मैं तो जानू ना। ए बाबा, तुम वापस आके फिर से वापस आ गया? वो किसी काम से गया था, अंगले कोयल है। सब की वाट लगने वाली है, कोयल, तोता, मैना, कमिन, सब की। थैंक्स। ये छोटा सा घर। बिजली का बिल बहुत आता होगा? नहीं, अरे वो मैं जल्दी अच्छा में था। है। तुमने डेकोरेट किया? हाँ। नाइस। क्या लोगी, चाय कॉफी? कुछ भी। कुछ भी बनाने में तो उस्ताद हूं मैं। बैठो ना, प्लीज सिट। या तुमने तो कहा था तुम अकेले रहते हो। हाँ बिल्कुल। तुम्हारी वाइफ साथ ही रहते? वाइफ? वो संजना है, माय एक्स। झगड़ा किसने किया? नहीं, ऐसी कोई झगड़े वाली बात नहीं हुई थी। धोखा किसने दिया? पता नहीं, मुझे तो लगता उसी ने दिया, लेकिन उसका वर्जन तो कुछ और ही होगा ना, क्योंकि क्या है ना कि ऐसे केसेस में ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि गलती किसकी। तो मेरे केस में मेरी गलती हो सकती है? देखो, अगर तुम्हारे हस्बैंड के पहले से मेरी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, वो जो भी है तुम्हारा, लेकिन अगर उससे पूछा जाए तो वो तो तुम्हें ही दोषी ठहराएगा ना। क्यों, इसमें मेरी गलती कहां से हो गई? मैं तो बरेली में खुश थी, मुंबई तो वो आना चाहता था, नौकरी उसने अपने पसंद की, जो उसने कहा मैंने वो किया, तो मैं कहां से गलत हो गई? अरे नहीं, मैं कोयल, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं, तुम गलत नहीं हो। शिट, क्या मैं चाय चढ़ा के भूल आया? अच्छे बने। अगर तुम शावर लेना चाहो तो ले सकती हो, हमारी सोसाइटी में पानी 24 घंटे आता है। मेरी पहली शर्त यही थी कि फ्लैट उस सोसाइटी में लूंगा जहां पे पानी 24 घंटे आता हो, इसीलिए मैंने संजना से मिलते ही तय कर लिया था कि एक बड़ा सा फ्लैट लूंगा, अच्छा सा। ये तो मेरे बजट में भी नहीं था, लेकिन संजना को यही फ्लैट पसंद में आया। रोशनी अच्छी है, कितना बड़ा है, किचन का साइज अच्छा है, सोसाइटी में 24 घंटे पानी आता है। तो फिर वो चली क्यों गई? उसने कहा वो किसी और से प्यार करती है, उसी से शादी करना चाहती है। शादी हो गई? नहीं, शायद नहीं, अभी तो गई है 12-15 दिन पहले। जी। अरे नहीं नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। नहीं है? अरे देखो ना, है तो दिल का मामला। गालिब ने कहा है ना, ये वो आतिश है जो लगाए न लगे, जो बुझाए न बुझे। अब कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं ना कि टर्म पूरा करना ही पड़े। अब भी प्यार करते हो ना संजना से? अच्छा, पिक्चर देखोगी? कौन सी है तुम्हारे पास? अब पता नहीं, मैं तो ज्यादा देखता नहीं, नंदी लाता रहता है ये सब, मेरे पीछे वही बैठ के देखता रहता है सारा दिन, डीवीडी उसी की है सारी। है देखो ना, कुछ नाम भी नहीं लिखा, पायरेटेड ही खरीदता है हमेशा, बट आई गेस कुछ थ्रिलर टाइप ही होगी। डिटेक्टिव है ना? तुम्हारा दोस्त डिटेक्टिव है? और नहीं तो क्या,
प्राइवेट डिटेक्टिव है। चलो भाई हम भी तो कुछ देखें एक्साइटिंग जेम्स बॉन्ड। ये मैंने जानबूझ के नहीं लगाया। आई स्वेयर मुझे तो पता भी नहीं था कि ये वो ये गधा डिस्गस्टिंग सब नंदू की करामात है। आई स्वेयर मैंने इस तरह की फिल्म कभी नहीं देखी है। मैंने देखी है? प्रणय ने दिखाई थी। I'm so sorry, कोयल। तुम भी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। अभी दो घंटे पहले तो मिले। I'm so sorry। बरसों और घंटों में किसी को जान पाते तो प्रणय को 6 साल में क्यों नहीं जान पाई मैं? I think you're right। You think? Are you sure? I think I'm sure. मैं सुबह से बाहर हूँ। Can I go for a shower? Of course. Just give me 1 minute. Yeah. अच्छा तुम्हें ये body scrub use करना आता है? हाँ। तो please use कर लेना। मैंने खरीदी थी लेकिन मुझे कभी use करना ही नहीं आया। जब यूज करना नहीं आता तो खरीदा क्यों? अरे नहीं मैंने सोचा कि अभी खरीद लेते हैं फिर बाद संजना। में। अरे नहीं 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 मैंने तो ये संजना के जाने के बाद खरीदा था। अगले दिन मैं देखता हूँ। तुम एक काम करो इसमें एक नाइटी रखी हुई है धुली है प्रेस्ड है संजना की है लेकिन तुम चाहो तो पहन लेना और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। ओके तुम? हाँ मैं। अरे मैंने कहा था ना घर वापस नहीं आना। मैंने कहा था ना मेरा सामान चाहिए आज। अरे मैंने कहा तो था कि भिजवा दूंगा। मुझे अभी चाहिए। चल हट। तुम्हारा सामान इधर नहीं उधर है। तूने मेरे बैग को हाथ लगाया? हाँ पर खोला नहीं है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग सिगरेट पी के। अरे साले ये साली कोई जगह सामान रखने की? लॉफ्ट है सेफ रहेगा इसलिए रखी है। निकाल। निकाल रहा हूँ मुझे ऑर्डर मत दो समझी ना। सब मर्दों की एक ही प्रॉब्लम है औरत की बात नहीं सुन सकते चाहे वो उसके भले के लिए हो। बहुत भला कर चुकी हो मेरा अब अगर ना ही करो ना तो बेहतर है प्लीज। तू मेरे को अभी तक बुला नहीं पाया ना। कमाल है इस खुशफहमी में रहने की कोई जरूरत नहीं है संजना। फिर मेरा फोटो क्यों टंगा अभी तक ड्रॉइंग रूम में? क्योंकि कचरा साफ करने में वक्त लगता है इसलिए। ये अपना बैग लो और फूटो यहाँ से। मेरा दूसरा बैग कहाँ है? अरे अब क्या हुआ कहाँ जा रही हो तुम? मुझे मेरा सामान अंदर से निकालना है। अरे मैंने कहा ना तुम्हारा कोई सामान वहाँ नहीं है। है। अरे मैं कह रहा हूँ नहीं है। है। अरे मैंने कहा ना तुम्हारा सारा सामान मैंने वहाँ पे छोड़ा था सिर्फ एक नाइटी है तुम्हारी। मुझे मेरी नाइटी चाहिए। अरे कमाल है अब तुम्हें नाइटी चाहिए? क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम क्यों होगी? तुम मुझे दरवाजा क्यों नहीं खोलने दे रहे हो? ओ तो इसको पहनानी है नाइटी। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। हाँ। अरे ये तो आपशप करके बात करती है। ऐसी चाहिए थी ना तुझे वाइफ टाइप। मैं तो तू तड़ाक करती थी। अब तो तेरी मम्मी बहुत खुश होगी ना। देखो संजना मम्मी पे मत जाओ। कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रही हैं। ए मुझे मत समझा। 6 महीने काट चुके इसके साथ। इसका अंदर बार सब जानती हूँ मैं। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। तुम भी ना कोयल। अरे हाँ हाँ जा लेडीज को टैक्सी तक ड्रॉप करके आना चाहिए साला। कोयल कोयल वेट लिसन। देखो देखो अरे देखो सुनो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है अब। टैक्सी एक मिनट। अरे नहीं नहीं यू डोंट नीड टू गो। नहीं राम गलती मेरी है। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। क्या सोच रही थी? संजना अपना सामान वापस लेने नहीं आई है। सामान
मतलब राम संजना इस वक्त अपना सामान वापस लेने नहीं आई है। अरे वो अपना सामान वापस लेने ही आई है, सुबह से फोन लगा रही है घर पहुंचू। उसे अपना सामान आज ही उठाना था, रियली आई स्वेयर। तुमने देखा वो मुझसे कैसे बात कर रही थी? अरे यार वो ऐसी ही है, वो सबसे ऐसी बात करती है, बदतमीज है वो। देखा नहीं मुझसे कैसे बात कर रही थी वो? नहीं राम, आई थिंक मुझे देखकर शी फेल्ट हर्ट। तुम नहीं समझोगे राम, ओनली अ वुमन कैन अंडरस्टैंड अनदर वुमन। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? यही कि वो वापस आ गई और वो अभी तुमसे प्यार करती है राम। और मैं, मेरा क्या? तुम भी तो संजना के बारे में सोचते रहते, जवाब ढूंढते रहते हो, तुम्हें छोड़कर चले क्यों गए? कोयल स्टॉप। कोयल रुको भैया, गाड़ी रोको, प्लीज गाड़ी रोको। राम जाओ प्लीज। देखो तुमने जो भी समझा, अगर वो गलत निकला तो आई विश ऐसा होता, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे फोन करना। कहाँ गया? साली तू पागल है संजना, जब राम को छोड़ा तो पासवान छोड़ने की क्या जरूरत थी? हेलो। हाँ बोलो संजना, क्या चाहिए? मैं घर आ रही हूँ। अरे व्हाई यू डूइंग दिस, क्यों कर रही हो ये सब? बकवास मत कर, मैं 20 मिनट में पहुंच रही हूँ, यू बेटर बी देयर। देखो संजना, ठीक है मैं फोन काट रहा हूँ। हेलो बोलन देवी की। साला यहां भी पहुंच गया। नहीं नहीं बॉस, ये क्या बात हुई भाई? नहीं नहीं आप मेरी बात सुनिए ना, आपने बोला था कि आपकी वाइफ आपको धोखा दे रही है, आपको पूरा यकीन है। मैंने तो नहीं बोला था, मेरा काम क्या था? मेरा काम था फोटो लेना, मैंने फोटो खींचे, मैंने सारे प्रिंट दिए थे आपको, मैंने वीडियो बनाया, वीडियो बना के मैंने डीवीडी भी दिया था आपको, दिया था कि नहीं दिया था? नहीं तो लास्ट पेमेंट कैसे मार जाएंगे भाई आप? अरे बॉस ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना कि आपकी वाइफ आपको धोखा नहीं दे रही है, इसमें मेरा क्या? हाँ सर, आई विल कॉल यू टुमारो, आज सुबह फोन करता हूँ। नहीं पैसे तो देने पड़ेंगे आपको, बिना पैसे दिए कैसे चलेगा? नहीं पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। नहीं ऐसे नहीं सर, नो सर, प्लीज प्लीज। कॉफी में दूध मत डालना, ब्लैक कॉफी पाउडर खत्म हो गया है, सिर्फ एक कप के लिए। सॉरी हाँ। तू नाराज क्यों है मुझसे? राम ठीक है?
तुझे क्यों जानना है? क्यों, कोई प्रॉब्लम है मेरे जाने में? नहीं, तुझे तो नहीं है, राम को हो सकती है। देख संजना, राम अभी ठीक नहीं है, लेकिन हो जाएगा अगर तू उसकी लाइफ में वापस ना जाए तो। मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, मैं राम को बता दूंगा। मैं बता चुकी हूँ, मेरा पासपोर्ट उसके फ्लैट में पड़ा है तो फोन किया था, उसने कहा वो घर पर नहीं है तो तुमसे ले लूँ। मुझसे चाबी? उसकी चाबी है ना तेरे पास, डुप्लीकेट की। खुद क्यों नहीं आया वो? अरे मुझे क्या पता है, हो सकता है बिजी हो और हो सकता है मुझसे मिलना ना चाहता हो। मुझे तो फोन नहीं किया उसने। अरे वो मीटिंग में है, कह रहा था फोन ऑफ करके रखना पड़ेगा। फोन ऑफ उसका? हाँ। अच्छा, अब मिल सकती है मुझे चाबी? मेरी आज रात की फ्लाइट है, तुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आज ही राम की लाइफ से चली जाऊं? ठीक है, चल। चल। तू कभी किसी पे भरोसा नहीं कर सकता ना, अगर मुझे चाबी दे देता तो मैं क्या कुछ चुरा लेती उसके फ्लैट में से? वहां साला कुछ है भी तो नहीं चुराने के लिए। मैं नहीं चाहता कि राम किसी लफड़े में फंसे, बस। कैसा लफड़ा? ये तो तुझे बताना होगा ना भाई, राम के फ्लैट में घुसने से पहले ये तो बताना ही पड़ेगा कि ये लफड़ा है क्या, वरना पासपोर्ट तो मिलने वाला नहीं है। देख संजना, एक बड़ी पुरानी कहावत है, दाई से ना कभी पेट नहीं छुपाते। तू करती क्या थी राम से मिलने से पहले? बार में डांसर थी ना, डायमंड बार में, कौन था वो, क्या नाम था उसका? हाँ, कुछ तो एक नाम था ना उसका, हाँ बलबीर, वो बार का बाउंसर, तो पकड़ के ले जाती थी कस्टमर कमरे में, वो फोटो खींचता था, तो हम साले ब्लैकमेल करते थे ना, कस्टमर साला दारू पी के कुछ कर तो पाता नहीं था, तुम लोगों की जेब भरता रहता था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ब्लैकमेलिंग का धंधा होता मस्त है, लेकिन साला ब्लैकमेलर लास्ट में पकड़ा ही जाता है। तुम लोग भी पकड़े गए, वो बलवीर पकड़ा गया, तू भाग गई जयपुर। क्या था वो जयपुर में, चांद पोल कांड, उसमें तेरा नाम दर्ज हो गया पुलिस रिपोर्ट में, फिर भाग कर मुंबई वापस। क्या करें, डाक के तीन पात। फिर राम से मुलाकात। अच्छा है, मिडिल क्लास लड़का, पढ़ा लिखा, बुरा नहीं था, लेकिन फिर उससे भी बेटर ऑप्शन, क्या नाम उसका, लकी सरदाना करके कोई ना, झूठा साला हर। अरे क्या झूठ बोला तेरे से उसने? क्या बोला उसने, क्या बोला, सीधे साधे धंधे वाला आदमी है। लेकिन निकला ऑलिव में पैसे उड़ाने वाला, टस्कनी की वाइन पीने वाला, फ्रेंच क्विजीन खाने वाला, अंडरवर्ल्ड का भाई। मैं सिंपल लाइफ जीना चाहती थी। हाँ ये तो अंडरस्टैंडेबल है भाई, ये तो करेक्ट एकदम। तो तेरी समझ में ये तो आ गया कि लकी सरदान के सामने तेरी दाल गलने वाली तो है नहीं, है ना, वो कुछ दिनों में बोर हो जाएगा, फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर भागने की इतनी जल्दी क्यों है? रातों रात पासपोर्ट चाहिए, रातों रात फ्लाइट पकड़ के जाना है, कहाँ जा रही है, बैंकॉक या किसी ऐसी जगह जहां वीजा एट अराइवल लगता हो,
पर तो वहां से कहीं भी भाग सकती है तू। मिडिल ईस्ट, यूएस, मेक्सिको अच्छा रहेगा। प्लान तो अच्छा है पर बड़ा एक्सपेंसिव प्लान है। पैसे कहां से आएंगे? मैं अगर तेरी जगह होता ना तो लकी सरदाना के पैसे को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि ऐसे लोगों के पैसे को हाथ लगाने का मतलब होता है गारंटीड मौत। सही कहते हैं, चालाकी कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है नहीं। मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए बस, उसके बाद कोई मुझे दोबारा यहां नहीं देखेगा। बड़े खुशी की बात है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं फ्री में काम सिर्फ दोस्तों के लिए करता हूं। कितना? 5 लाख। डन। इस बैग के बारे में अगर सोच रही है ना तो भूल जा, तू इस बैग को हाथ भी नहीं लगाएगी। ये बैग जैसा है वैसे का वैसे ही लकी के पास वापस जाएगा। तब की वाट लगने वाली है। हाँ मालूम है अंकल, चलो जल्दी करो। तुझसे ज्यादा जल्दी है मुझे। साला मेरा एक भी सामान नहीं है यहाँ पर, पक्का बेचकर खा गया होगा। अरे राम, इस तरह का लड़का नहीं है। लड़का नहीं है वो, आदमी है 35 साल का, एब्सोल्यूट लूजर। इस तरह से देख, बात मत कर, वो दोस्त है मेरा। जैसा वो वैसे उसके साले दोस्त। hey, कितना आया? ये बिल गडेरा बिल। 7,500। पूरी मुंबई की वाट लगने वाली। ये गलत वाट का घर में रहता नहीं है क्या? किटकी, शू, कहां कहां से आ जाती है? चल नंदू। बोल, तूने फोन किया था? मैंने मोबाइल ऑफ करके रखा हुआ था। तू कहां पे है? घर में। घर में कहां पे? अरे बाथरूम में। क्यों? नहीं मतलब बात करने के लिए फ्री है ना, अब किचन में कुछ चढ़ा तो नहीं रखा है? बच गया, बच गया। दूध चढ़ाया था, बच गया। मैं अगर नहीं
अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, समझा? तो इसलिए बोल रहा हूँ। ये बता, खाना खा लिया क्या तूने? नहीं यार, अब भी वापस आया हूँ। अरे चल ना यार, बिल के पैसे मैं दूंगा। अरे वो बात नहीं है यार, I'm really tired. अरे थका हुआ है तो खाना खाएगा तो एनर्जी मिलेगी ना। अबे चल, शू, चल भाग। अबे ऐसे क्यों बोल रहा है यार? अरे तुझे नहीं कह रहा हूँ यार, ये पड़ोस की बिल्ली ने नाक में दम करके रखा हुआ है। वही तो कहता हूँ, अबे साले जब तक घर पे रहेगा तो कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। चल बाहर चलते हैं और खाना खाते हैं। अरे नहीं आ सकता यार। अरे क्यों नहीं आ सकता यार? अरे चलना यार, बहुत जरूरी बात। अबे तू फुसफुसा क्यों रहा है? अबे मैं किसी के साथ हूँ, जरूरी मीटिंग है, बात नहीं कर सकता जोर से। तू एक काम कर, तू अपनी मीटिंग खत्म करके यहीं आ जा, मैं डिनर बना रहा हूँ, साथ में बैठ के खा ले। तू क्यों अड़ा हुआ है अपनी बात में यार? चलना, बहुत जरूरी बात करनी है। अरे किस बारे में? संजना के बारे में। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। आ जाना भाई, मैं अभी आता हूँ। चलें। ये क्या भाई? अरे कपड़े हैं चेंज करने के लिए। कपड़े चेंज कर रही है तू? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या है, क्या दिख रहा है? कुछ नहीं देख रहा हूँ। मेरा पासपोर्ट कब मिलेगा? जब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। पैसे एक घंटे में मिल जाएंगे? हाँ तो ठीक है, पासपोर्ट भी एक घंटे में मिल ही जाएगा। इधर आकर मुझे कवर कर। क्यों? चेंज कर रही हूँ, टॉप चेंज करना है। थोपड़ा उधर नहीं घुमा सकता। अच्छा सुन, मैं जाता हूँ और लक्की का पैसा वापस करके आता हूँ। सैड मत हो, एक दिन मुझे को दुआएं देगी तो इन सब के लिए। मेरी दुआएं तुझे अच्छी लगेंगी। डेयरिंग आदमी है तू, समझदार भी। काश राम में एक भी क्वालिटी तेरे जैसी होती। खैर अपनी अपनी किस्मत है, मुझे भी कभी सही वक्त पे सही आदमी नहीं मिला। चल मैं तुझे एक घंटे में फोन करती हूँ। मेरा पासपोर्ट गुमा मत देना और अपना ख्याल रखना। गुड लक। हाँ हाँ शिंदे साहब, घंटा कोई डिसीजन तो लेता नहीं यार। घंटे घंटे भर में तो डिसीजन चेंज हो जाता है, इसीलिए कह रहा हूँ जो घंटे भर पहले डिसीजन लिया था ना, हाँ वही वही वही, उसको घंट में डाल दीजिए एकदम। और घंटे भर बाद जो मैं बताऊँगा आपको, उसकी घंटी बांध लीजिए आप। जी जी जी, धन्यवाद। कौन, कहाँ, किससे? मैं समझा नहीं सर। शॉर्ट फॉर्म समझते हो? हाँ। शॉर्ट फॉर्म में बात कर रहा हूँ। कौन हो, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है? सर पिज्जा मार्ट, पिज्जा डिलीवरी करनी है, लकी ट्रेडिंग कंपनी। पिज्जा? हाँ हाँ। लेकिन पिज्जा किसी ने मंगवाया नहीं है? हाँ हाँ सर। फिर? ये मंगवाया हुआ नहीं है सर, ये भिजवाया हुआ है। वो
हमारी कंपनी नई शुरू हुई है चेन, तो फ्री पिज्जा सबको बांट रहे हैं, ये फ्री है सर। दुकानदारी चलाना चाहते हो? हाँ सर। तो सबसे पहले अपने स्टाफ का ड्रेस कोड चेंज करो। जी सर। ये क्या है? ये सर कंपनी ने ऐसा ही दिया हुआ है सर। नहीं चलेगा। नहीं ना। और दूसरी चीज, कोई भी भलते से बैग में डिलीवरी मत किया करो। जी। और डिलीवरी बॉय यंग स्मार्ट, समझो, तुम जैसे भचंड बुढ़ाओ दुकान बंद करवाने के काम आते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है सर। बोल दोगे? मैं बोल दूंगा। ठीक है, अभी बोल देता हूँ जाके मैनेजमेंट को सर। ए, जी, ये फ्री की डिलीवरी कौन करेगा? मेरा भचंड बाप? नहीं सर, मैं करूँगा। जाओ। थैंक यू सर। बोली मैडम डिक्की में से कोई रेड कलर का बैग निकालने को। ये वाला लेकिन जाने से पहले उन्होंने मेरे को बोला था कि गाड़ी के डिग्गी में से कोई रेड बैग निकालने को। ये वाला बड़ा जान मारू काम है डिलीवरी बॉय का। धोनू भार, अबे तेजी से दौड़। रुक जाओ। अबे भजन, जाएगा कैसे? जूता तो ले ले। थैंक यू। पहन ले। गुड नाइट सर। सही है। अबे पकड़! तुझे भागने को बोला, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू पकड़ेगा नहीं उसे। अबे क्या है? क्या है, शहर में कर्फ्यू लगा है, तुम गन लिए घूम रहे हो? डब्बे पे नंबर दिया है फ्री में, समझ रहे हो कि नहीं? चुप यार। ए, चुप क्या मतलब है? याद रखा है तो गुटका ले जाए जाते हैं। किसका फोन है? हम नहीं है। अरे कहाँ है यार तू, एक घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं। कहाँ? अरे पोलो क्लब में, और कहाँ? बोल दिया मारे, क्या बोले? बस वो आ गया। हाँ भाई, मैं एक घंटे से इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। अरे यार मीटिंग में फंस गया था, थोड़ा लेट हो गया। ऑर्डर किया तूने? नंदू, राम, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, प्लीज। आप बात बहुत कम करती हैं। व्हाट प्लान? नो, आई मीन आई डोंट हैव अ प्लान, इट्स नॉट। No, actually, I have one. मैं जरा एक मिनट में आता हूँ। अरे कहाँ जा? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।
How are you this evening, Bhachand? I'm okay, sir. अरे लेकिन मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? सब झूठ बोलते हैं। मैं बिल्कुल ordinary. In fact, I'm just worse than ordinary. देखो, please. ये लो. भाई बैग खाली है? बैग खाली है? अरे क्या तुम्हारी कंपनी फ्री का पिज्जा देती है खाली बैग में? नहीं सर, बैग कैसे खाली? लो भैया, खाली नंबर से फोन आया, क्या करें, दे दे इनको। बात करेंगे, इसकी संजना का फोन होगा। संजना आपने क्यों फोन करेगी, उसको क्यों पिज्जा चाहिए? अरे तुझे समझाता हूँ मैं, और तो निकालनी है। बात करें इसकी, बात करो, लाउड स्पीकर ऑन करो, हम भी तो सुने। संजना लाली क्या ऑर्डर की है, सुनाओ, बात करो, बात करो। हेलो, अबे कहाँ है तू? काम पे। काम पे? तू बाथरूम गया था? बाथरूम में ही फोन आया था, अर्जेंट था, निकलना पड़ा। साले तू तो निकल गया, कोयल यहाँ मेरे साथ बैठी है। गुड लक, ऑल द बेस्ट। अब मैं क्या करूँ? अरे तू खुद भी तो कुछ समझा करना यार, मैं सारी चीजें हाथ पकड़ के थोड़ी ना करवा दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, तेरा ही आइडिया था लेट्स गो पिकअप गर्ल्स, अब तू ही आके संभाल इसे। मैं तो तेरी सेटिंग कर रहा था ना यार। गर्लफ्रेंड की जरूरत तुझे, मुझे थोड़ी ना है। नंदू वो रो रही है। देख, जब लड़की रोने लगे ना तो समझ लो कि शाम रंगीन गुजरने वाली है। गुड नाइट एंड गुड लक। अबे shaadi.com लौंडियां वौंडियां भी सप्लाई अप्लाई करते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैं वो मेरा दोस्त जो है ना, मैं उसकी सेटिंग कर रहा था उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। डर क्या रहे हो, यारी है, ईमान मेरा यार, मेरी जिंदगी। थैंक यू सर। इंसान बहुत सही है, लेकिन पिज्जा क्यों नहीं भेजते ठीक से? अबे भचंड भचंड, ये पिज्जा वाला नहीं है, ये संजना की साथी है। मार हड़प कर गए और खाली बैग छोड़ने आया था तेरी बेटा। लक्की भाई का माल हजम करके बैग खाली छोड़ना है तू? नहीं सर। फंस गई तू। एकदम टॉयलेट में घुस के पकड़ के लाए इसको। साले तू भी फंस गया। अबे तू इनको जानता है? इसकी सिर पे चोट लगी क्या? ना 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 ना, ये राम नहीं है। राम नहीं है? कौन है? पर लकी सगाना। सॉरी बॉस, थोड़ा मिस्टेक हो गई, मेरे को लगा कि आप राम हैं। एक्चुअल मैं रावण। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? आई एम डिप्रेस्ड हनी। अच्छा, सो एम आई। लेकिन तुम क्यों? ये भी कोई लाइफ है डार्लिंग? हमारी शादी को 12 साल हो गए। पिछले 6 साल से मैं यहाँ दुबई में पड़ी हूँ और तुम वहाँ मुंबई में। आई एम ट्राइंग हनी। अरे क्या ट्राइंग, पिछले 6 साल से मैं सुन रही हूँ ट्राइंग ट्राइंग। क्या ट्राई कर रहे हो तुम? डैड ने कहा है एक घर खरीद लो मेरे लिए, लेकिन तुम अभी तक एक घर नहीं खरीद सके। अभी रिसेशन का टाइम है, वरना मैं तो कब का खुद को बेच के अपनी निम्मी के लिए फ्लैट खरीद लेता। ऐसा मत बोलो हनी, मैं रो पड़ूंगी। मैं तो ऑलरेडी रो रहा हूं। निम्मी निम्मी प्लीज मत रो,
प्लीज। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऊपर वाला भी हमारा इम्तिहान ले रहा है। डार्लिंग, अब इम्तिहान खत्म। इट्स अ टाइम टू रीयूनाइट। अच्छा, कैसे? सुनो, मैंने अपने अकाउंट से 5 करोड़ रुपए तुम्हें हवाला कर दिए। तुम्हें वो पैसे कल सुबह मिल जाएंगे। डैड को बिल्कुल भी पता नहीं है। कल के कल 3 बेडरूम का टेरेस फ्लैट तुम खरीद लेना। डैड बहुत खुश हो जाएंगे, समझेंगे तुमने अपने पैसे से फ्लैट खरीदा। और हनी, हम साथ साथ रह पाएंगे। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुंबई में 5 करोड़ में फ्लैट मिल जाएगा ना? थोड़ा मुश्किल है बेबी, लेकिन मैं तो अपनी निम्मी के लिए आकाश के सितारे तोड़ के ला सकता हूँ। फ्लैट क्या चीज़ है? सिर्फ 5 करोड़ ही कहा था ना तुमने? आई लव यू। हेलो, सुनो, रख दिया, बिजी होगा। ओके किरण भाई, तो ठीक है ना, डील डन ना, पक्की? हाँ, तो कल सुबह 2.5 खोखा लेके हम आपके पास आ जाएंगे। फिर क्या, फिर पैसे आपके और फ्लैट हमारा, ठीक है ना? ओके सर जी, कल मिलते हैं सुबह में। हाँ ओके सर जी, बाय बाय बाय। मुबारक हो सर जी, फ्लैट की डील फाइनल 2.5 खोखे में, यानी 2.5 करोड़ आपके बच गए। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बाबू भाई, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं कि चलनी चाहिए। निमी मैडम के लिए फ्लैट अभी भी 5 करोड़ का है। समझ गया सर जी। कॉम्प्री? लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप साइन क्यों कर रहे हैं बंडल के ऊपर। इट्स वेरी सिंपल बाबू भाई, जिस पैसे पे साइन नहीं है वो फ्लैट का है, जिस पे साइन है वो लकी का है। लकी का पैसा। 16 टके बात कही सर, वेरी गुड। नाउ लेट्स पुट द मनी इन। यस सर, ओके सर। जिम 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 जिम। लाइटर है? सिगरेट तेरा बाप देगा। कॉन्डम नहीं, सिगरेट। जुलाई की तेरी माँ। बिजी तो मैं घर चलूं? ने मापियोसे ओवा और दिने केस के चिवा। क्या खिलाओगे? बेबी बे, रूड सेश, बीफ बर्गनियो, फ्लूट, पिन ब्लॉ, केस के चिवा, केस लगे। तू जहर भी खिलाएगा ना? वो भी खा लूंगी। ये तो सिर्फ फ्रेंच है। तू चल, मैं घर जाके चेंज करके आती हूँ। मैं भी सवार मामा से। बाय। ओवर। चल मैं बाद में करता हूँ भाई। किधर मैडम? किधर भी नहीं, तू घर जा। कोई प्रॉब्लम? लक्की साहब बोला कि आपको लेके क्लब आऊँ। मैंने बोला ना तो घर जा। अरे हाँ, जाने से पहले डिक्की में एक रेड कलर का बैग है, वो निकाल के लक्की साहब के कैबिन में रखा। ठीक। और सुन, डोलू मुल्ले तो उसे बोलने एक पैकेट सिगरेट का ले आए संजना मैडम के लिए। ठीक है। ये पैसा लक्की का था मैं जानती थी, पर ये मेरे लिए अनलक्की था मैं नहीं जानती थी। करेक्ट है,
पूरे अंडरवर्ल्ड में ना इस स्टोरी की खबर फैला देते हैं, गुड पब्लिसिटी, गुड। गनी भाई को भी बोली देता हूँ। नो नो नो, समझ गया, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, नो इलीगल एक्टिविटी ना सर। शिंदे साहब को कह दिया है, लीगल तरीके से छानबीन कर रहे हैं। अरे शिंदे उच्चे फिने ढोलू, यही 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 बात तो हम पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं। फिर शिंदे को रोक नहीं तो तू गया ढोलू। अले वीच अले हकिया अले वीच, हाँ अले वीच मतलब जल्दी। अले वीच अले वीच गया, अलेवित अलेवित आता हूँ, अलेवित मतलब जल्दी उपाय। बस पीटर आ गया, क्या करूँ। प्लीज सर को इतना पीटो, इतना पीटो कि वो सारी डिटेल बता दे, हम फ्री चाओ। एंटरटेनमेंट हो रहा साले का। बस, बस, साले कुत्ते। मैं पुत्र कंप्लीट मोमेंट। सॉरी सर, आप कुछ कह रहे थे सर। बेबी भाई पूरी वाट लग चुकी है। कौन सा बैक, कौन सा बैक, कौन सा बैक, ये वाला पकड़ो। Silence! Dhanu Bhar! Abhe tezi se do! Silence! Ye bag kaun andar rakhega? Tame, tumhari maa, entre. Sir, wo bag mein... Entre! बॉस मेरा हो गया तो मैं जाऊं। एंट्रे स्टूपिड इडियट। वी क्वा हाँ हाँ शिंदे साहब, नहीं नो प्रॉब्लम, बहुत सीरियस मामला, लेकिन मैं फोन करना चाहता हूँ। ओके चिलूस Maintenant quoi, papa Pai? Maintenant quoi? सर, सर मैं भी कभी से यही सोच रहा हूँ कि अब क्या करें सर। सर लेकिन मैंने किरीट भाई को बोल दिया है कि पैसे लेकर हम आ रहे हैं सर। कौन भाग गया बोलू? वही बॉस, वो जो बैग लेके आया था जिसमें संजय पैसे लेके भागी थी। वो रेड बैग? हाँ बॉस, वो रेड बैग, वो हाथ से निकल गया बॉस, पर जल्दी में अपना मोबाइल छोड़ गया। उसका दोस्त उसका फोन आया था, वो लोग क्लब में वेट कर रहा है उसका। मैं क्या करूँ बॉस? अरे करेगा क्या बोलू, पीछा कर। बाबू भाई, we back in business. The money is here. बोलू किसका फोन आया था, नाम नंबर? बाबू भाई राम राम राम, ये संजना का पिछला यार है। Why didn't I think of this before? राम तेरे कितने नाम।
एक हेलो हेलो मे आई स्पीक विद मिस्टर राम प्लीज स्पीकिंग Mr. Rama, this is a call from the French embassy and you've been selected for a free trip to France. France? How? Yes, France. See, it's a lucky draw. You are a very lucky man, Mr. Rama. Can I have your address, please? Okay, write down my address. It's B71 Serenity, Malad West. Mumbai 64. Any landmark? Next to movie tower. Next to movie tower. Ugadla sir. Beautiful. Fantastic. Bye bye. Yes sir. I will take it from here. Okay sir. Chal chal. Bonjour, mademoiselle. Hello, 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 hello. Looking pretty as usual. Let me make you prettier. आके फिर से वापस आ गया। वो किसी काम से गया था। अंगली कोयल है। सब की वाट लगने वाली है। कोयल, छोटा, मैं। ये तो संजना नहीं दिखती, बट ये तो बिल्कुल मेरे जैसा हैंडसम दिखता है। कुछ भी बनाने में तो उस्ताद हूँ। ब्रावो। मैं सुबह से बाहर हूँ। Can I go for a shower? Of course. Just give me 1 minute. Yeah. Oh, Matt. Ils sont là. Coffee. और आज ये तुम्हारा कमरा है। Okay, just 1 minute, huh? Yeah. अच्छा, तुम्हें ये बॉडी स्क्रब यूज करना आता है? हाँ। तो प्लीज यूज कर लेना। मैंने खरीदी थी लेकिन मुझे कभी यूज करना ही नहीं आया। जब यूज करना नहीं आता तो खरीदा क्यों? अरे नहीं, मैंने सोचा कि अभी खरीद लेते हैं फिर बाद में। संजना। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ये संजना के जाने के बाद खरीदा था, अगले दिन। हाय जान। हेलो हेलो, बैड नेटवर्क जान, बोलो बोलो। अरे तुमने फ्लैट खरीदा के नहीं? कल सुबह जान, अर्ली मॉर्निंग। I love you too, जान। Bye. और
पूछना भूल गई, फ्लैट का वो वास्तु चेक किया है? हाँ जान, बिल्कुल करवाया, और सेफ्टी के लिए फेंग शुई भी चेक करवाया। रियली? वाओ! देखो, 8:30 के पहले चाबी मत लेना, पता है ना क्यों? हाँ जान, राहुल। एग्जैक्टली, आई लव यू। आई लव यू टू बेबी, अब सो जाओ, ओके? बाय। 6 महीने काट चुकी हूँ इसके साथ, इसका अंदर बाहर सब जानती हूँ मैं। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। तुम भी ना। कोयल, लेडीज को टैक्सी तक ड्रॉप करके आना चाहिए। कोयल, देखो मेरी बात। साला हर। Bonjour, mademoiselle. फ्रेंच में एक कहावत है, वोंट आ फामे न पा दोराय, भूखे से बात करके क्या फायदा। तो इसलिए तुमसे भी पूछ के तो फायदा है नहीं कि माफूश पुरखवा, ऐसा क्यों किया तुमने? एक कहावत इंग्लिश में है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, और पता है क्यों? बिकॉज इट कीप्स रोलिंग। इंटेलिजेंट। दुनिया दर्शन का है मेला, अपनी करनी आप उतरनी, गुरु होए चाहे चेला, हिंदी की कहावत है कबीर। इंटरेस्टिंग। अंकुर, और सुनो। कंकड़ जोड़ किला बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, दुनिया रैन बसेरा। स्प्लेंडिड, फंटास्टिक, थैंक यू। उफ, थैंक यू। अंकुर जी, और सुनो। किला बनाया, महल बनाया, खेलन को सब खेला, चलने की जब वेला आई, सब दजी चला अकेला। ब्रिलियंट, रिविटिंग, सब जानता है। फिर ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बैग वापस लेकर आया था ना। ये बैग लेके आया था? हाँ। क्या सोचे इसे पहन के मैं डांस करूंगा? नहीं, जोकर लगता हूं मैं तुझे? नहीं सर, नो, आई नेवर। लेकिन मैं जोकर हूं, लेकिन बैटमैन वाला। तुझे बैटमैन पसंद है? हाँ, लाइक इट, आई रेड इट, इट्स। मुझे नहीं पसंद। आई लाइक चिंचिन। चिंचिन अच्छा लगता है? हाँ सर, दैट्स बेटर, सिंपल है। क्यों, सिंपल अच्छा नहीं लगता? सिंपल तो बेस्ट होता है। हिंदी में एक्चुअली कहावत है कि कठिन हमेशा कठिन नहीं होता है, और सरल तो कभी भी सरल नहीं होता है। कितना डीप जी, यू सो डीप। थैंक यू बॉस, इसे डीप गाड़ दें। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। जिंदा या मुर्दा? अरे कब कहा सर, सर मैं तो इसमें था भी नहीं, मैं इसमें फंस गया। माय गॉड, माय गॉड, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। बोलू तुझे अकेल नहीं, किसके सामने क्या बात करना है, कहाँ मारना है, कहाँ गाड़ना है, हम आपस में बात कर लेंगे। इसे क्यों इन्वॉल्व करता है? सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज़े, एक्चुअली उसे पता नहीं था, बच्चा है जरा। इट्स ऑलराइट, काम डाउन। बॉस, आपका स्टाइल बड़ा मस्त है। अरे स्टाइल तो तुम में भी है बोलू, लेकिन अकेल नहीं है, इसलिए तू मेरे चमचा है, मैं तुम्हारा बॉस। इसलिए तुम इस टकले को लेके आया जिसके बैग से व्रा और चड्डी निकला, और मैं इस खूबसूरत को जिसके बैग में ढेर सारा माल है। कहीं स्पेंड तो नहीं किया डार्लिन? बाबू भाई। यस सर। लेट्स गो काउंट द मनी। श्योर सर। से मा बेल, au revoir मदमेजेल। कैश गिनने के बाद बड़ी मार पड़ने वाली है। तो
तुझे राम को छोड़ना था तो ये मॉडल क्यों चुना? ये बेटर है। बेटर है? माँ की आँख! हमें क्या समझ रखा है कोई कॉमेडी पिक्चर चल रही है क्या इधर? पैसे कहाँ? पैसे कहाँ? बैग में। बैग में? कौन से बैग में? तेरे हाथ में। What's wrong with you, Lucky? What's wrong with me? ये पैसे, ये पैसे, ये चट्टी है, तेरी चट्टियों से परेशान हो चुका हूँ मैं। ये नहीं है, this is not my size. अरे तेल लगाने गया, तेरा साइज देख खजना, पता दे पैसे किधर है? मुझे नहीं पता, मैंने इसी में रखा था। देख, तूने मेरा फ्रेंच साइड देखा अभी तक, मेरा भिंडी बाजार साइड नहीं देखा संजना? मैं हाथ को हलक में डाल के जिगर निकाल लेता समझी ना? तू मेरे से राडा मत करना, बहुत कबाड़ा हो जाएगा संजना। देख, तू मेरे अंदर के जानवर को मत जगा संजना। काश जगा पाती। देख, देख तू बात को घुमा मत। तुझे पता मैं क्या कह रहा हूँ? ए, ज्यादा शानपति मत झाड़। होगा तो भिंडी बाजार का, मैं दगड़ी चौल क्यों समझा? मुझे मेरे पैसे वापस दे दे, दे दे। घंटा तेरे पैसे, साला बीवी के पैसे उड़ाता है और उसी को चूना लगाता है। साले तेरी बीवी ने तुझे में देखा क्या है? अरे सारे, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, मारो साले सबके सब। निम्मी का बाप तो मारेगा ही मुझे कुत्ते की मौत। मैं अभी तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा साले, दी एंड, मारो साले सबके सब। लकी, 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 निम्मी, जाने, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लकी, मैंने डैड को सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया? यही कि कल तुम अपने पैसे से घर खरीदने वाले हो। डैड वाज सो हैप्पी। ये मोमेंट वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे, इसलिए मुझे पहली फ्लाइट में भेज दिया। अगली फ्लाइट में वो खुद आ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। यू आर हैप्पी ना? आई एम लकी। आई एम सो डैम लकी। इट्स द बेस्ट सरप्राइज। लेकिन यहाँ इतना शोर क्यों मच रहा था? फ्लैट खरीदा डार्लिंग, सेलिब्रेशन, राइट? ऑफ कोर्स। हु शी? हु इज हु? शी, शी, शी। संजना, संजना माय लॉयर, माय काउंसिल। संजना माधिक, माय काउंसिल। मिस माधिक, निमी माय वाइफ। Hi. I'm so happy. I'm so happy. Good to see you, Mr. Sardana. Thanks for coming. So, sir, क्या अगर मेरा काम खत्म हो गया तो मैं जाऊँ या फिर सारी डिटेल्स मैम को बताऊँ? I no need, no require. You're more than welcome to leave. Thank you. Merci for all your help. Sir, आपका ड्राइवर मुझे घर तक ड्रॉप कर देगा? Yes. Why not? Driver, मैडम को घर छोड़ के आओ. Si, senor. Senorita, sayonara. Sayonara? Let's go. Sayonara? What international stuff, Lucky. I love your style. I love you. Oh my God. Daddy, come on. It's not so bad, Sanjana. तेरी फ्लाइट एक घंटे में है, जा। तू तो सिर्फ दोस्तों के लिए फ्री में काम करता है ना? तूने पेमेंट कर दिया है, थैंक्स। गो टू हेल नंदू, राम गो टू हेल, लकी गो टू हेल, दिस गॉड डैम वर्ल्ड जस्ट गो टू हेल। संजना, संजना, वो पैसे कहाँ हैं? शे, अरे यार।
आ गया तू? कॉफी पिएगा? अरे कुछ बोलेगा भी? क्या देख, वो नहीं है यहां। कोयल आई थी पर चली गई। अरे संजना ने ही तो सब बर्बाद किया है यार, हमेशा यही कहती है वो, ना खुद खुश रहती है ना किसी को खुश रहने देती है। क्या कुछ नहीं किया था मैंने उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, तू था ना नंदू। लेकिन बस एक दिन उठी और चली गई, मैं किसी और से प्यार करती हूं। तो मेरी क्या हालत हो गई थी यार नंदू, कोई मतलब नहीं रह गया था यार। तू नहीं रहता तो तेरे कहने पे अगर आज मैं डिनर के लिए नहीं जाता तो कोयल से कैसे मिलता। अरे तू क्या क्या कह क्या रहा है यार, बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं शी इज अ वेरी नाइस गर्ल यार कोयल, शी वेरी नाइस। तुझे पता है कितने दिनों बाद आज मैंने कुल्फी खाई है? लाइफ स्टार्टेड मीनिंग समथिंग यार। और तूने वो डीवीडी कौन सी छोड़ दी? अरे व्हाट इज द मैटर यार, क्या बात, क्या कम टू द पॉइंट ना यार। अरे मैं कह रहा हूं कि संजना को आज ही आकर अपना सामान ले जाने की क्या जरूरत थी, वो बाद में नहीं आ सकती थी ना, वो आ जाती और ना कोयल जाती। सुन, जाते वक्त उसके पास कोई बैग था क्या? किसके पास? अरे कोयल के पास यार। हाँ उसका वो अपना बैग लेके गई। तूने चेक किया था? अरे मैं क्यों चेक करूं यार उसका बैग, तुझे मालूम है उस बैग के अंदर क्या था? अरे मुझे क्या पता यार, वो घर छोड़ के आई थी। शिट शिट, और तूने भी उसे रोका नहीं? आई ट्राइड यार नंदू, लेकिन वो तो ये समझती कि संजना अभी भी मुझसे प्यार करती है, और उसने जब मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि मैं तो अभी भी ये जवाब ढूंढ रहा हूं कि संजना मुझे छोड़ के गई क्यों, क्योंकि मेरे पास और कोई जवाब नहीं था यार नंदू। लेकिन अब जवाब है, अब अगर कोई पूछेगी ना तो मैं उससे कह दूंगा कि उससे मिलने के बाद मैंने संजना के बारे में एक पल नहीं सोचा है। सो यू आर क्लियर? यस। यू आर एब्सोल्युटली क्लियर? हाँ। और तू उसको बोल देगा कि यू लव हर? यस। कैसे बताएगा, एड्रेस देके गई है क्या तेरे को? नंबर देके गई है, अभी फोन करता हूं मैं उसे। पता है वो जब जा रही थी ना तो मैंने उससे पूछा कि अगर संजना मेरी लाइफ में नहीं रहती तो पता उसने क्या कहा? उसने कहा था कि काश ऐसा हो पाता। अब मैं उसे बता दूंगा कि संजना इज नॉट इन माय लाइफ। अरे ये तो कह रहा कि नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, मैं रिडायल करता हूं। नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों? मुझे लगता है उसने 8 लिखने की कोशिश की थी और मैंने 6 डायल किया, मैं फिर से चेंज करके देखता हूं। I'm so stupid ना। डोरबेल है। ओके अरे कोयल, कोयल आ गई। तुम, मैं अभी तुम्हें ही फोन लगाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, बट इट सेड दैट द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने गलत नंबर दिया था, मैं वापस नहीं आना चाहती थी। बट व्हाई? तुम्हें धोखा देना ठीक नहीं लगा? क्या फर्क रह जाता मुझ में और प्रणय में? तुम्हारा पैसा चुरा कर भागी थी मैं। अरे इतने सारे पैसे, लेकिन ये मेरा पैसा नहीं है। हाँ? ये तुम्हारे पैसे नहीं? अरे नहीं, ये मेरा पैसा नहीं है, ये बहुत बहुत सारे पैसे हैं। ये इतने सारे पैसे कहाँ से कमाऊंगा मैं कभी? अरे मैंने सपने में इतने सारे पैसे नहीं देखे। लेकिन ये पैसे तो मैंने तुम्हारे घर से चुराए थे। अरे मुझे क्या पता मेरे घर में ये कैसे पैसा आया, मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ यार, प्लीज मुझसे पूछना नहीं मैं कैसे जानता हूँ। बस मैं जानता हूँ, बस इतना समझ ले कि मुझे मालूम है कि ये पैसे कहाँ से आए और तेरे घर में कैसे आए। समझ गया संजना। अरे क्या फर्क पड़ता है यार राम? फर्क पड़ता है यार नंदू,
फर्क पड़ता है? जरूर संजना ने ही ना, या तो बैंक लूटा होगा या कहीं डाका डाला होगा या मेरे जैसे ही किसी को बेवकूफ बनाया होगा इस पैसे के लिए। लेकिन तुमने तो कुछ नहीं किया ना। अरे लेकिन फंसूंगा तो मैं ही ना, और फंसोगी तुम, क्योंकि तुम ही लेके आई हो ये पैसे। और जिन लोगों का पैसा है ना ये कोयल, वो गलत लोग हैं, गलत पैसा है ये, वो तो हमें छोड़ेंगे नहीं। और अगर छोड़ भी दिया तो पुलिस, I'll handle that यार। अरे कैसे हैंडल करेगा यार? अरे मैं डिटेक्टिव हूं ना यार, I'll handle that। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि तुम लोग इसमें इन्वॉल्व हो। बस पता नहीं यार। देख तू समझ यार, ये जिसका पैसा है उसके पास वापस चला जाएगा, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दैट, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगर किसी को पता नहीं चलेगा तो ये पैसे लेकर हम भी तो भाग सकते हैं। गलत लोगों का पैसा है और गलत लोगों के पैसों को गलत तरीके से रखने में क्या बुराई है? नहीं नहीं, बुराई है कोयल। देखो देखो, माइनस माइनस प्लस मैथ्स में होता है, लेकिन लाइफ लाइफ तो मैथ्स नहीं है ना। हाँ इसीलिए मुझे मैथ्स कभी पसंद नहीं था। So stupid, yeah? No, you're not. You think so? I know so. You're not stupid. Then you're also very stupid. Maan lo. हाँ किरीट भाई, प्लान 16% वही रहेगा, बस हम लोग रोकड़ा लेके आपके पास आ रहे हैं, आप चाबी तैयार रखो बस। बाबू भाई मरते हुए क्या झूठ बोलना, अरे बोल दीजिए प्लान कैंसिल, डील कैंसिल, रोकड़ा नहीं है, क्या खरीदेंगे? सर आप क्यों टेंशन लेते हो सर, एक घंटे के बाद बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा सर? हाँ एक घंटे बाद क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉस इंस्पेक्टर शिंदे क्या करूं? अरे तो इंस्पेक्टर शिंदे के साथ अभी भजन करूंगा क्या मैं? उसे बोल दे मैं जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। बोलू अब जाते जाते किसी से क्या गिला शिकवा भेज दे उसे। हाँ आओ प्लीज। बाबू भाई yes, वो लाइन बड़ी अच्छी है ना, महल बनाया किला बनाया खेलन को सब खेला, चलने की जब बेला आई सब तजी चला अकेला। वाह शिंदे तू भी बोल दे अपने दिल की बात। नहीं बस ये बोलना था कि कल रात को कोई ये पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़कर चला गया बैग। शिंदे मैं जहां जा रहा हूं ना वहां बैग की जरूरत नहीं होती। पूरी बात तो सुन लो, इसमें पैसे भरे हुए थे और सब में आपका साइन था, ये मेल लिखा हुआ था, मैंने सोचा आपके होंगे। नहीं ठीक है मैं गलत था, सॉरी आपका समय बर्बाद किया भाई। तू गलत नहीं था, तू सही था, तू सही है। अरे आज तो तूने मुझे मरने से बचा लिया शिंदे। I love you my darling, you are exquisite, you are beautiful, you are oh my god शिंदे। बाबू भाई yes. आज से शिंदे का कमीशन डबल। okay. अरे रहने दो बाबू भाई को तकलीफ क्या देना, वो जो जिन जिन बंडलों पर आपका साइन नहीं था वो रख लिया मैंने कमीशन समझकर, अपना हक समझ के। तो Onkyule. सोचने वाली बात है लकी भाई, ये सौदा फिर भी महंगा नहीं पड़ रहा, चाहता तो पूरे रख लेता। गौर कीजिए जो आज आपको इतना दे सकता है वो कल कितना भी दे सकता है। नहीं Cheers. कर भला तो हो भला। थैंक यू। ओके नो Let me take this, Shinde. No, let me take this, Nandu. अरे यार, let's be fair, यार, Shinde. But this is not fair, Nandu. अरे तो भैया, then what is fair? What is fair now? Let's go Dutch. Okay. Yeah. Let's go Dutch. All right. Yep. Keep the change. और बेटा एक बात हमेशा याद रखना,
Life is always more than fair. Yes, always. Enjoy. गुब्बारे में कैसा नंबर छू डाला. गया था मैयत का सामान लेने, गनी भाई मिल गए. चीर कर रख दूंगा, नीचे से लेके ऊपर तक चीर कर रख दूंगा. मौत आ गई है तेरी, मौत आ गई है, समझ गया ना? क्या समझा? मैं दुबई गया तो मेरे पीठ पीछे कुछ भी करेगा. मैं कस बांध कर जूते से मारूंगा, जूते से मारूंगा, जूते से मारूंगा. खबरदार, जो दोबारा कंप्लेंट मिला तो. लो यार, इसको पकड़ो. अब दोबारा मुझे मत देना. यहाँ भी बिजनेस, वहां भी बिजनेस. मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा. दिल जीत लिया तूने मेरे बच्चे, दिल जीत लिया. मैं गलत था, मैं गलत था. मेरा बेटी सच्चा था, मेरा बेटी सच्चा था. सर, सर, वो किरीट भाई का फोन है सर. अरे उनको बोलो कि फ्लैट खोल के रखे, हम सब रास्ते में. दिल पक्की होगी डैडी, दिल पक्की हो गया. अरे उधर नहीं, इधर इधर.